Hey guys, how are you doing? I'm Charles and welcome to our journal Learn with Charles. तो गाइस हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टॉर्सन पेल्विस को सिंप्लीफाई कैसे करना है और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यूज किया था फ्लो सेक को। फिर उसके बाद के लेसन में हमने देखा जो हमारी बॉडी का जो मोशन का रेंज है वो कैसा होता है, टर्न, ट्विस्ट, स्ट्रेच, लीन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वो सब हमने देखा। अब हम कुछ पोजेस को लेके हम उसको ड्रॉ करेंगे, मतलब पोजेस का रेफरेंस लेंगे और उसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बाजू में ये वेबसाइट है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप पोजेस को ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसा ही एक वेबसाइट है लाइन ऑफ एक्शन, जिसका हम आज यूज करने वाले हैं फोटो रेफरेंस के लिए। तो जैसे कि आपको दिख रहा है सामने फिगर है, अब यहाँ पे हम उसको फ्लावर शेप का पोज ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटर लाइन को ध्यान में रखना है। सेंटर लाइन को ध्यान में रखने के बाद हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें साइड वाला पार्ट दिख रहा है और यहाँ पर फ्रंट वाला पार्ट कम दिख रहा है। अब इसी को ही हम फ्लोसेक में अप्लाई करते हैं। तो साइड से बड़ी साइज का बनाना है लाइन ऑफ एक्शन, फिर ये फ्रंट बहुत ही कम है, एंड यस पर्सपेक्टिव का भी हमें ध्यान में रखना है। ये साइड का पार्ट चेस्ट के लिए, ये बन गया एक पोज का। अभी इस पोज का देखते हैं। तो इस पोज पे क्या हो रहा है, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ऐसा है। तो इस हिसाब से हमें फ्लावर शेप को भी बनाना है, प्लस यहाँ पे इसका साइड का पार्ट भी दिख रहा है जो फ्रंट में आके आते थोड़ा सा कम हो जाता है, इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। प्लस इस तरफ ये स्क्वीज हो रहा है और इस तरफ ये स्ट्रेच हो रहा है, तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। इसकी पेल्विस नीचे जो की है और जो शोल्डर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब डेप्थ का सेंस भी देना है। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो गया। अब इसपे क्या हो रहा है, अभी हमें इसकी सेंटर लाइन चेक करनी होगी। इस पोज थोड़ा ट्रिकी है। तो यहाँ पे हमें सेंटर लाइन दिख रही है लेकिन ये नीचे आते पेल्विस तक आते आते एक बन जाती है, तो अभी उस हिसाब से हमें इसको ड्रॉ करना होगा। और डेप्थ का सेंस देने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इस साइड वाला पार्ट आ रहा है यहां से, अब ये बैक से है तो शोल्डर का डायरेक्शन यहाँ पे स्क्वीज हो रहा है, यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो पेल्विस है वो सीधी है और ये बैक साइड से सेंटर लाइन। जब इसको ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ है ये सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन भी कैसी है, यहाँ से बड़ी है, नीचे आते आते वो छोटी हो जाती है और यहाँ से आते आते हमें साइड वाला पार्ट भी देखने को मिल रहा है। इसका हम थोड़ा साइड का सेंस दे देते हैं। अब इसमें दोनों हाथ ऊपर की तरफ है, यहाँ से साइड का थोड़ा सा सेंस मिल रहा है लेकिन वही सेंस फ्रंट में आते आते कम हो जाता है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पीछे की तरफ लीन हो रहा है, ये बैक साइड का साइड वाला पार्ट यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है सेंटर लाइन, क्योंकि हाथ दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सेंटर लाइन बहुत ही कम देखने को मिलेगी धीरे धीरे ऐसे, इसको देखते हैं। अब इस पे क्या हो रहा है कि ये आगे की तरफ झुक रही है, तो इस तरफ स्ट्रेच होगा, इस तरफ स्क्वीज होगा, तो ज्यादातर तो हमें साइड वाला पार्ट ही दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे हाथ भी बीच में आते हैं, पैर भी बीच में आते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डेप्थ का सेंस देने के लिए ये सेंटर लाइन यहाँ पर एक स्क्वीज पार्ट भी बनेगा ऐसे। अब थोड़ा आई लेवल भी चेंज करते हैं, तो इसके आई लेवल के हिसाब से क्या बॉटम्स है, ऐसे। तो अभी आई की तरफ थोड़ी झुकी हुई है, तो क्या होगा इसमें, तो यहां पे हमें अब इस ऐसे मामले में हमें शोल्डर का रेफरेंस लेना है,
जब यहाँ पे गया होगा थोड़ा सा टॉप दिखेगा, बैक साइड का भी दिखेगा और थोड़ा सा फ्रंट साइड का भी दिखेगा। इन साइड से हमें ज़्यादा आइडिया मिल रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये कुछ आएगा ऐसा, बैक साइड से जो सेंटर लाइन है वो कुछ ऐसी बनेगी, हल्की सी दिखेगी, फ्रंट साइड से थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी। लेकिन अभी ये टर्न हो रहा है तो क्या होगा, ऐसे सब शेप भी बनेगा, पीछे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, दोनों पैर आगे की तरफ है, तो हल्का सा करते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारी तरफ आ रहा है सेंटर लाइन साइड वाला पार्ट, ये यहाँ पे सेंटर लाइन आ रही है इस तरफ, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा फ्रंट का भी दिख रहा है यहाँ पर, ये सेंटर लाइन। ओके गाइस, तो ये कुछ पोजेस हमने ड्रॉ किए फ्लोर सेट का रेफरेंस लेके, तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। ऐसे ही पोजेस आप ड्रॉ करते रहो इसका यूज करके, तो आपको ये समझ में बहुत ही इजी रहेगा। अब बारी आती है हमारे होमवर्क की, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 50 से 100 आप ऐसे पोजेस बनाओ, तब जाके आपको ये क्लियर होता जाएगा। और अलग अलग ट्राई करो पोजेस, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही पोज ट्राई करना है, हर एक पोज में सेम पोज आता रहेगा तो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा, तो हर एक बार अलग अलग पोजेस ट्राई करो। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो काफी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर दो, एंड यस जिसको ऐसे ही वीडियोस की जरूरत है उनके साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।